What is the execution flow diagram with respect to given logics? अगर किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम्स के अंदर इस फॉर्म में कोई भी लॉजिक बेस किए हैं, कोई भी लॉजिक्स प्रोवाइड किए हैं, इस केस में प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फ्लो क्या होगा? प्रीवियस सेशन में ओनली इफ ब्लॉक प्रोवाइड किया था, लेकिन इस केस में इफ के साथ साथ एल्स ब्लॉक भी प्रोवाइड किया है। एल्स के केस में डिस्कस किया था एल्स ब्लॉक शुड फॉलो बॉडी ऑफ इफ, मीन्स एल्स ब्लॉक जस्ट इफ का बॉडी क्लोज होने के जस्ट बाद प्रोवाइड करना कंपल्सरी। दिस इज द वैलिड सिंटैक्स। इस केस में अगेन एस सबसे पहले चांस किसको लिया, टू द स्टेटमेंट एस जीरो। अब एस जीरो के केस में टू पॉसिबल केस होंगे, नेक्स्ट में सॉरी एस जीरो के जस्ट बाद कंट्रोल का सेंड हुआ टू द कंडीशन टेस्टिंग। अगेन कंडीशन टेस्ट करेंगे, कंडीशन के रिस्पेक्ट में पॉसिबल केस क्या होंगे, आइदर कंडीशन इज फॉल्स और कंडीशन इज ट्रू। देर आर टू पॉसिबल वे, ट्रू और फॉल्स। वन बाई वन डिस्कस करें, फर्स्ट वन विद रिस्पेक्ट टू इफ कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है, इस केस में चांस किसको मिलेगा, स्टेटमेंट एस वन। कंडीशन फॉल्स है, देन चांस किसको मिलेगा, बॉडी ऑफ एल्स ब्लॉक मीन्स एस टू। ट्रू होने केस में चांस किसको मिला, एस वन को। फॉल्स होने केस में चांस किसको मिलेगा, एस टू को। इन ट्रू केस, ट्रू के केसेस में एस वन। अगर इफ का बॉडी एग्जीक्यूट हुआ देन एल्स बॉडी को कभी भी चांस पड़े, मीन से या तो एट ए टाइम इफ बॉडी एग्जीक्यूट हो सकता है या फिर एल्स बॉडी। अगर इफ का कंडीशन ट्रू देन इफ बॉडी को चांस प्रोवाइड करेंगे, और इफ का कंडीशन फॉल्स है देन कंट्रोल कांस्टेंट है टू इनसाइड बॉडी ऑफ एल्स ब्लॉक। दूसरा पॉसिबल केस है कंडीशन इज फॉल्स, फॉल्स होने के इसमें चांस किसको मिल रहा है, एल्स ब्लॉक, और एल्स ब्लॉक के अंदर स्टेटमेंट प्रोवाइड किया जाए एस टू। नेक्स्ट वन एस टू एग्जीक्यूट हो या एस वन एग्जीक्यूट हो, मीन्स नेक्स्ट इसके जस्ट बाद फर्स्ट वन। अगर कंडीशन ट्रू देन एस वन, एस वन के जस्ट बाद कंट्रोल कांस्टेंट हुआ आउटसाइड बॉडी ऑफ इफ एल्स मीन्स एस थ्री। एस वन के जस्ट बाद चांस किसको मिलेगा, स्टेटमेंट एस थ्री मीन्स दैट वन। अगर कंडीशन फॉल्स है देन फॉल्स होने केस में सबसे पहले एल्स बॉडी एग्जीक्यूट मीन्स एस टू, और एस टू के जस्ट बाद भी अगेन चांस किसको मिलेगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट एस थ्री मीन्स। अगर आपने इफ और एल्स के बाहर कोई भी लॉजिक्स प्रोवाइड किए, ये लॉजिक्स दोनों ही सिचुएशन में एग्जीक्यूट हों, चाहे कंडीशन ट्रू है फॉल्स हो डजंट मैटर। अगेन इस केस में पॉसिबल रिजल्ट्स क्या होंगे, कंडीशन के रिस्पेक्ट में टू पॉसिबल केस हैं, आइदर ट्रू और कंडीशन इज फॉल्स। इन दैट केस अगर कंडीशन ट्रू है फर्स्ट वन, सबसे पहले दोनों केसेस में कॉमन स्टेटमेंट क्या है, एस जीरो और अगेन एस जीरो। एस जीरो दोनों ही केस में एग्जीक्यूट होंगे, फर्स्ट वन ट्रू के केस में एस जीरो एग्जीक्यूट होने का चांस किसको मिलेगा, एस वन, और एस वन के जस्ट बाद एस थ्री। दिस इज द एग्जीक्यूशन फ्लो। देन कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स होने के जस्ट केस में एस जीरो के जस्ट बाद चांस किसको मिला है, टू द स्टेटमेंट एस टू, और एस टू के बाद अगेन एस थ्री। मीन्स एट ए टाइम या तो इफ का बॉडी एग्जीक्यूट हो रहा है या फिर एल्स बॉडी, दोनों बॉडी एक साथ एग्जीक्यूट करना पॉसिबल नहीं है। अगर इफ का बॉडी एग्जीक्यूट हो देन एल्स ब्लॉक स्किप हो जाएगा, और एल्स का बॉडी अगर एग्जीक्यूट हो देन इफ का बॉडी स्किप हो रहा है, लाइक दैट एट ए टाइम या तो एस वन और एस टू।